हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है हमारे जम्मू ट्रिप का आखिरी व्लॉग। हम लोग रामकोट से निकल गए थे जम्मू के लिए, पर उससे पहले हम लोग रुके थ्याल। थ्याल था मम्मी का दाद के, ये गांव था। तो सबसे पहले तो इसके बाद हम लोग इनके खेत में आए किम्ब तोड़ने। किम्ब होते हैं जम्मू में, मिलते हैं ये, और ऑरेंज की तरह देखने में लगते हैं पर ये ऑरेंज से बिल्कुल अलग होते हैं। बहुत बहुत ही ज़्यादा खट्टे होते हैं और इसको हरी चटनी वगैरह के साथ खाया जाता है। यहाँ पे मैंने, मम्मी ने और भाभी ने बहुत सारे किम्ब तोड़े थे घर ले जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में नहीं मिलते, बट ये हम जम्मू में मासी के घर ही भूल गए थे। उसके बाद ईशान भी ऊपर गई कि मेरी भी वीडियो बनाओ, फिर वहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत वीडियो खींच बनाई। उसके बाद हमने यहाँ की स्पेशलिटी, जम्मू की स्पेशलिटी घ्यूर, ये बने होते हैं मैदे से, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी होते हैं। और हमारे जम्मू साइड के लोगों में कुछ भी जब सगन का काम करते हैं तो ये पीते हैं। और ये वहाँ का देसी कावा, देसी चाय, पिंक चाय। धूप में बैठे थे इसलिए वीडियो में प्रॉपर पता नहीं चला, पर इसका कलर पिंक था चाय का। घ्यूर और देसी चाय पी के हम लोग निकले अपना आगे घूमने के लिए। यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर करी। आगे आप बनाए रहना वीडियो में, आपको भी मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें दिखाती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ आए घर के पास वाले जगन्नाथपुरी के मंदिर में। इसके बाद हम लोग गए खड़ और बावली देखने। बावली में हमें नाग के दर्शन भी हुए। मैंने पूरी कोशिश करी है कि उसकी वीडियो बना सकूँ, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करके उसकी वीडियो भी बनाई है। आप लोग भी ज़रूर देखना उसको। तो यहाँ सबसे पहले हम पहुँचे अपनी उस बावली में जहाँ हमें नाग के दर्शन हुए। तो अभी मैं आपको फोकस करके दिखाती हूँ, और जो लोग गांव साइड में रहते हैं उनको पता होगा कि बावली क्या होती है और यहाँ पे नाग वगैरह काफ़ी होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े अपनी दूसरी बावली देखने, पर वहाँ हम ज़्यादा देर नहीं रुके क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी थी। लोग यहाँ ज़्यादा सफाई वफाई नहीं करते, इतना अवेयर नहीं है इस चीज़ों को लेके, तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। इसके बाद हम गए तीसरी बावली देखने, यहाँ पे भी गंदगी थी पर यहाँ पे हमें फ्रॉग्स देखने को मिले। अब हम वहाँ से निकल गए थे जम्मू के लिए, और जम्मू जाने से पहले हमें एक जगह और रुकना था, वो है मानसर। आपने सुना होगा दो नदियां होती हैं, मानसर और सुरिंसर लेक, तो हम मानसर रुके थे। यहाँ पे इस तरीके के झूले लगे हुए थे बच्चों के लिए, तो इस वजह से इसको लग रहा था कि हम पार्क में आए हैं। वैसे तो ये पार्क ही है, और ये पूरी तरीके से आसपास के बहुत बहुत बड़ी लेक बनी हुई है कि मानसर लेक। यहाँ पे आपको ढोल बजाते हुए काफ़ी सारे लोग घूमते हुए देखेंगे। यहाँ लोग अपने बच्चों के मुंडन कराने आते हैं। यहाँ आपको बहुत सारी शॉप्स, बहुत सारे झूले, शॉप्स बेसिकली आसपास यहाँ पार्क के साइड में ही लोगों ने अपने टेबल लगा के शॉप्स बनाई होती हैं, जिसपे आपको टॉयज़ और नीम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मतलब जैसे लकड़ी पे नाम लिखना, चावल के दाने पे नाम लिखना, इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। और इस लेक में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, बहुत बड़ी मछलियाँ थी। यहाँ पे लोग यहाँ पे इनको आटा और मुरमुरे होते हैं वाइट कलर के बड़े बड़े से, वो खिलाने आते हैं। इसमें मतलब अनगिनत मछलियाँ थी इसमें,
और आटा खिलाने के लिए भी दो प्लेसेस बना रखे थे अलग अलग, एक तो ये यहाँ जहाँ हम खड़े थे और दूसरा ये एरिया, ताकि एक ही जगह काफ़ी सारी भीड़ इकट्ठी ना हो, तो दो अलग अलग स्टेजेस बना रखे थे। और यहाँ पे इस तरीके के बड़े बड़े झूले भी लगे हुए थे, मतलब बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत बढ़िया पिकनिक स्पॉट। और आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे सज धज के भी आए हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ लोग मुंडन कराने आते हैं। और यहाँ गेम स्पॉट्स भी थे, लाइक बिल्डिंग वगैरह में गेमिंग वगैरह बना रखी थी, यहाँ आपको गिफ्टिंग के लिए जैसे आप घूमने आते हो तो अपने बच्चों के लिए या घर ले जाने के लिए गिफ्ट आइटम्स छोटे छोटे से क्लिप्स पर्स वगैरह बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारी यूनिक डिफरेंट आइटम्स मिलेंगी। और हम यहाँ आ गए हैं अब अपनी बोटिंग करने, फिशेज को खाना वाना खिला के हम लोग बोटिंग करने आए थे। हम यहाँ इसके बाद रेडी हो रहे थे बोटिंग के लिए अपने सेफ्टी गार्ड्स वगैरह पहन के, और फाइनली हमारी बोट भी आ गई। यहाँ मैं मम्मी नानी ताई वगैरह कॉर्नर में खड़े थे, उनको हाय कर रही थी। बोटिंग करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए थे, उसके बाद हमने गन्ने का जूस पिया, आइसक्रीम वगैरह खा की, और फिर हम निकल गए जम्मू। सो हम लोग रात को ही जम्मू पहुंच गए थे और नेक्स्ट डे सुबह नहा धो के रेडी हो गए थे। हम लोगों की नेक्स्ट ट्रिप थी वैष्णो देवी की, हम लोग रुके थे अपनी मासी के घर। हमने यहाँ पे सारा अपना लगेज कलेक्ट किया और अपना बैग पैक किया वैष्णो देवी के लिए, हमें वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना था, तो हमने चाय वाय पी, नाश्ता वगैरह करके अपना बैग पैक करके हम लोग निकल चुके थे। और ये हम लोग ऑटो में बैठ के आधे रास्ते तक गए, हमें बस स्टैंड जाना था, वहाँ से कटरा के लिए बस लेने। अब हमारी बस भी आ चुकी थी, हम लोग सारे बस में बैठ गए थे। जम्मू में मेरे को एक बस इसकी खासियत लगी, जो यहाँ की बसेज होती हैं ड्राइवर्स अपनी बसेज को बहुत डेकोरेट करके रखते हैं, चाहे वो बाहर से हो चाहे वो अंदर से हो। अंदर से भी आप देख सकते हो ऊपर नीचे साइड में सारी जगह ये इन्होंने पेपर पेस्टिंग लगा रखी थी, मतलब जो भी था इनका ये मटेरियल। और बाहर से भी झालर, फ्लावर्स और पता नहीं क्या क्या, टेडी, सॉफ्ट टॉय, बहुत ज़्यादा ये लोग बसेस को सुंदर सजा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके रखते हैं बसेस को, और उस पर नाम वगैरह भी लिखे होते हैं तो बहुत स्टाइलिश तरीके से लिखे होते हैं इन्होंने नाम। फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके थे कटरा। अब बस वाले ने जहाँ भी हमें उतारा बस स्टैंड पे, वहाँ से भी हम लोगों ने ऑटो कर लिया था पर्ची काउंटर के लिए, जो ऊपर जाने के लिए जहाँ से हमें आई कार्ड मिलने थे वैष्णो देवी के लिए, वहाँ तक के लिए भी हमने ऑटो कर लिया था। और जैसे मैंने आपको बसेस का बताया, एज़ यू कैन सी सिर्फ बसेस ही नहीं है, ऑटो वाले ने भी अपने ऑटो को फुल डेकोरेट कर रखा था। आप देख सकते हैं ऊपर इसने किस तरीके से रूफिंग करा रखी है, आगे टैडी, सॉफ्ट टॉयज वगैरह, स्माइली एंड ऑल, बहुत अच्छे से ये लोग अपने इसको डेकोरेट करके रखते हैं। यहाँ से हम लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट शो करके अपने अपने आई कार्ड्स कलेक्ट करे, और उसके बाद पर्ची काउंटर से भी जहाँ से यात्रा शुरू होती है वहाँ तक के लिए भी हम लोगों ने ऑटो किया, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पहले भी ट्रैवल करके आए हुए थे, तो तीनों में से किसी के भी बस की नहीं थी पैदल यात्रा करना। हम लोग घर से ही प्लान करके आए थे कि हम लोग पैदल नहीं जाएंगे, ऑटो करके आगे से घोड़े करेंगे, तो यहाँ पे ये घोड़े वाले सारे पीछे पड़ गए थे। और यहाँ हम अपने सामान की और अपनी चेकिंग करा के निकले यहाँ से, तो देखा जो घोड़े वाला सामने भी खड़ा था, हम लोगों का वेट कर रहा था। यहाँ भाई और घोड़े वाले जितने भी थे, तीन चार ही मेम्बर्स एक साथ थे, ये लोग यहाँ पे रेट डिस्कस कर रहे थे। और फाइनली यहाँ हमने रेट कंफर्म करके, जो ये पिट्ठू घोड़ी पालकी वगैरह के काउंटर बने होते हैं, इनसे अपनी पर्चियाँ कटवाई, और यहाँ पे इनके फिक्स रेट होते हैं, आपको नोट बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा,
देन इनसे हमने इनके आई कार्ड कलेक्ट करे, जो भी हॉर्स राइडर थे हमारे उनसे अपने अपने आई कार्ड कलेक्ट करे। हाँ मेरी तो बिठा दो बच्चे, अरे कमारो दिन जी लड़ाई हो गई वहाँ पीछे, घोड़े का नाम तो भूल लो, घोड़े का तूफान नाम है, तूफान काम नहीं करता है, शांति के चले दोस्त करेंगे। क्या नाम है घोड़े का? तूफान। तूफान देख टुकड़ा साथ चलने वाले माता रानी के पास। अब सुनाओ जोर से बोलो, इधर मुँह करके। इसके बाद हम लोग अपना दर्शन करके माता रानी के हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए, पर किसी वजह से हम भैरव बाबा की घाटी तक नहीं जा पाए। उसके बाद हम लोग फिर वापस घर गए नेक्स्ट डे, और उसके बाद की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि फिर हम लोग यात्रा पे हम लोगों ने कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया था। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर जाना तो पहले इधर जाने लगे थे घूमने। चल यहाँ से चल। एवरीवन वेलकम बैक टू भविष्य वर्ल्ड। सो इट्स डे 5-6 एंड वी आर गोइंग टू बागेबहू एंड बावे, एंड लेट मी इंट्रोड्यूस विद वन ऑफ माय कजन। हम जा रहे हैं बागेबहू और बावे वाली माता। तो अब हम दोनों आपको मिलते हैं वहीं पे डायरेक्ट, देन तब तक के लिए बाय बाय बाय। वहाँ हमें पहुँच के पता चला कि बावे वाली माता के मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। मैजिक कर दिए इसने, आपको शान भी दिखाएगी मैजिक करो। वहाँ से निकल के हम लोग गए होशियारपुर, और होशियारपुर में एक मंदिर में हमने ये शिवलिंग देखा। शिवलिंग बहुत बहुत सुंदर थे। अभी ये थोड़ा सा इस पर वर्क चल रहा था, मेंटेनेंस होनी थी इसकी। यहाँ 108 शिवलिंग थे, पर इसमें मेन इशू क्या था कि जो पानी टपक रहा है वो आप देख सकते हैं कुछ शिवलिंग के डायरेक्टली ऊपर नहीं है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं, तो इस पर भी मेंटेनेंस वर्क चल रहा था, पर ये देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये है हमारा लास्ट व्लॉग, और ये लास्ट व्लॉग तो है बट ये इनकम्प्लीट व्लॉग भी है क्योंकि ईशानवी ने कुछ वीडियोस वगैरह मेरे फ़ोन से डिलीट कर दी थी। जैसे कि स्टार्टिंग में थ्याल में भी मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस बनाई थी, वो भी डिलीट हो गई। इसके बाद की भी काफ़ी वीडियोस डिलीट हो गई हैं, तो ये
हमारा इनकम्प्लीट व्लॉग है। जब मैंने अपना फ़ोन चेक किया लिटरली मुझे इतना दुख हुआ कि सारी वीडियोस वगैरह डिलीट हो गई थी, बट मैं भी क्या कर सकती थी, बच्चा है उसको ना डांट सकती थी ना मार सकती थी, क्योंकि उसको भी नहीं पता, उसने भी बाय मिस्टेक ही सारी वीडियोस डिलीट कर दी थी। सो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मेरा फर्स्ट व्लॉग इतना अच्छा गया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरे एफ़र्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर ज़रूर करना।